हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सिविलियन स्टडी में, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। दोस्तों आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम स्टेटस जीके में इम्पोर्टेंट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों उससे आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सिविलियन स्टडी चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो बात करने वाले हम स्टेटी जीके के रिलेटेड एक पार्ट है इम्पोर्टेंट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम इम्पोर्टेंट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं। एक बार नोट करते हैं कि डिजर्ट जो होता है ये कवर करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करते हैं हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उनमें कवर करता है। वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इम्पॉर्टेंट डिजर्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपने पास है इम्पॉर्टेंट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड करते हैं बात, ठीक है। डिजर्ट्स पहले बात कर लेते हैं, डिजर्ट क्या चीज़ है। डिजर्ट इज अ बैरन एरिया, बैरन मीन बंजर, डिजर्ट एक बंजर एरिया होता है ऑफ द लैंडस्केप वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है और अकर्स एंड कंसिक्वेंटली लिविंग कंडीशन आर होस्टाइल फॉर प्लांट एंड एनिमल। वहाँ पे लिविंग कंडीशन की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है वहाँ पे जिंदगी जीना, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल लाइफ हो, पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती हैं या तो बहुत मुश्किल रहता है। तो बात करते हैं हम कंटिनेंट वाइज, तो कंटिनेंट के वाइज बात करेंगे। कंटिनेंट है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका की बात करें वहाँ पे आता है हमारे पास है एंटार्क्टिक डिजर्ट जो है एंटार्क्टिक है, ठीक है। उसके बाद हम कंटिनेंट में आते हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, उसमें हमारे पास डिजर्ट होता है आर्कटिक, आर्कटिक डिजर्ट। थर्ड नंबर है हमारा कंटिनेंट है अपने पास एशिया। एशिया में बात करें तो डिजर्ट के नेम है हमारे पास काराकुम, थार डिजर्ट जो कि हमारे इंडिया में है, उसके बाद है क्या कैजिकुम, फिर है तकला मकान, यह है चाइना में, फिर अरबियन है, फिर दस्ते कवीर, दस्ते लुट और गोबी डिजर्ट है। ये दस्ते जो है ये थोड़ा याद रखने का आपको, वो दस्ते लुट ये दस्ते दस्ते से जो बन रहे हैं, उसके बाद है गोबी डिजर्ट। ये तो ये जो डिजर्ट से ये कहाँ पे हैं, एशिया में है, यानी कि हमारे कंटिनेंट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंटिनेंट आता है अफ्रीका, अफ्रीका में बात करते हैं कालाहारी। देखो डिजर्ट का नाम है कालाहारी, यह नामीब और सारा, सारा डिजर्ट है याद रखें अफ्रीका में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिजर्ट जो है हार्ड डिजर्ट उसको सारा बोलते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया में कौन से डिजर्ट है, वो है डिजर्ट नेम है क्या, जिप्सन, जिप्सन नाम सुना होगा बहुत फेमस है। उसके बाद ग्रेट सैंडी, फिर ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और तनामी, ये डिजर्ट के नाम हैं जो कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्थित हैं, याद रखें। अगर इनमें कोई भी आता है और कंट्री का नेम ऑप्शन दिया होगा तो उनमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये है कंटिनेंट वाइज ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, कंटिनेंट आता है हमारे पास यूरोप, और यूरोप में है हमारे पास ताबनाज डिजर्ट, याद रखो टी ए पी ई आर एन ए, ताबनाज डिजर्ट जो कहाँ पे है, यूरोप में है। उसके बाद कंटिनेंट आता है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं हम डिजर्ट का नाम है ग्रेट बेसिन, बेसिन बी ए एस आई एन, बेसिन याद रखो मोजावे, एम ओ जे ए वी ए मोजावे, और सोनारम, सोनारन, सोनारन एस ओ एन ओ सोनारन याद रखें रन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ये हमारे हो, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं हम कंटिनेंट आता है हमारे पास साउथ अमेरिका, और इसमें बात आता है डिजर्ट का नाम है क्या, अटाकामा, पैटागोनियन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर अबाउट इम्पॉर्टेंट डिजर्ट, चलो आगे देखते हैं कुछ आगे देखते हैं। और इम्पॉर्ट देखो अब बात कर आगे बढ़ते हैं, और ये क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर अबाउट इम्पॉर्टेंट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम एंटार्क्टिक डिजर्ट जो है उसकी बात करते हैं, लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड में सबसे बड़े डिजर्ट की बात करें तो वो है एंटार्क्टिक डिजर्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट। और लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट इन द वर्ल्ड, अगर कोल्ड की बात करें, कोल्ड और हॉट दो टाइप के डिजर्ट होते हैं, तो कोल्ड की बात करें यानी कोल्डेस्ट डिजर्ट वो भी है एंटार्क्टिक,
और एरिया की बात करेंगे तो इसमें है 1,38,29,430 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा है टाइप है पोलर, क्योंकि पोल पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वैसे इसको पोलर बोलते हैं। उसके बाद डिजर्ट नेम कर गए, आर्कटिक डिजर्ट जो सेकंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड है, डिजर्ट इन द वर्ल्ड है, एरिया जिसका है 1,37,26,937 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। ये भी टाइप है पोलर है, मतलब पोल्स के साथ है। उसके बाद डिजर्ट नेम है गोबी, गोबी तो आपने पढ़ा ही है। प्रेजेंट कहाँ पे है, एशिया में। इसका एरिया कितना है भाई, इसका कितना है, 1,33,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 1,35,00 कोल्ड है, ये कोल्ड विंटर, वो ये भी वो ऐसा ही है, कोल्ड विंटर है। और उसके बाद बढ़ते हैं डिजर्ट नेम, सारा सारा डिजर्ट जो है, लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड की बात करें तो है सारा डिजर्ट, प्रेजेंट इन अफ्रीका में, अफ्रीकन कंटिनेंट में, और सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है। और इसका एरिया की बात करेंगे तो 94 लैक्स है ये। ओके आगे बढ़ते हैं, डिजर्ट नेम है अटाकामा, अटाकामा डिजर्ट जो है द ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑन द अर्थ है, और उसका एरिया जो है 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, प्रेजेंट इन चील में है, चील जो कंट्री है उसमें है। और टाइप देखेंगे तो कूल डिजर्ट है, कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के किनारे है यार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि डिजर्ट नेम ग्रेट ग्रेट बेसिन है, उसके बारे कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये कोल्ड विंटर वाला डिजर्ट है, और प्रेजेंट कहाँ पे, यूएसए में, यूएसए मीन यूनाइटेड स्टेट, यूएस में है। और एरिया की बात करेंगे तो 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। तो ये था हमारा डिजर्ट के रिलेटिव, ये हो गया कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ लर्निंग मिली होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ जरूर सीखा होगा आपने। अगर आपको वाकई कुछ सीखने को मिला तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप किसके रिलेटेड चाहते हैं ये भी आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, गो अहेड।